दोस्तों आई फैक्टनर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड विस्पर का क्या मीनिंग होता है फिर वर्ड विस्पर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन या चार सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में ट्यूटोरियल गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल दोस्तों वर्ड विस्पर की स्पेलिंग है W एच आई एस पी ई आर विस्पर और विस्पर का मीनिंग होता है फसफसाना या फिर किसी के कान में सरगोशी करना आहिस्ता आहिस्ता बात करना कि तीसरे बंदे को वो सुनाई ना दे उस चीज़ को कहते हैं विस्पर अब विस्पर को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जैसा कि पहला सेंटेंस है शी इज इंटू हिज ईयर वो उसके कान में रही है वो उसके कान में खरगोशी कर रही है शी इज विस्प्रिंग इंटू हिज ईयर एक और सेंटेंस बनाते हैं जी जिसका मैं कह सकता हूं ए, क्लास में वाई वर यू टू विस्परिंग आप दोनों सरगोशी क्यों कर रहे थे आप दोनों फसफसा क्यों रहे थे वाई वर यू टू विस्परिंग आप दोनों सरगोशी क्यों कर रहे थे इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसका हम कह सकते हैं आई कूड अंडरस्टैंड बिकॉज दे विंग मैं समझ नहीं सका क्योंकि वो दोनों फसफसा रहे थे वो दोनों सरगोशी कर रहे थे आई कुडेंट अंडरस्टेंड बिकॉज दे वर ंग दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको वर्ड विस्पर का मीनिंग समझ आ गया होगा अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का तो एक्सरसाइज के तौर पर आपने इंग्लिश के वर्ड विस्पर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें वर्ड विस्पर को यूज़ करने के लिए डिफरेंट सेंटेंसेस मिल जाएंगे उम्मीद है ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा लाइक like का बटन जरूर प्रेस कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चन और कॉमेंट्स के लिए हमेशा आप कॉमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल दैन टेक केयर कीप लर्निंग Keep enjoying. Good day.